गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो क्लास, आज हम क्लास फर्स्ट का फिफ्थ चैप्टर विच नेम इज़ माय स्वीट होम, इसको डिस्कस करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है, और इसको आप एक बार घर पर भी रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर माई स्वीट होम। देखो, वी ऑल लिव इन अ हाउस, हम सभी एक घर में रहते हैं। द प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली इज नोन एज होम, ठीक है, और जिसमें हम एक प्लेस यानी एक स्थान जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे होम कहते हैं। इन फैक्ट Our house protect us from heat, cold, rain, wind and thieves. ठीक है, In fact, हमारा house हमें protect करता है किस किस से? Heat से, बारिश से, cold से, wind से, thieves यानी चोरों से। ठीक है, यहाँ तक clear है सभी को? इसके आगे next हमारा आता है next आगे देखेंगे chapter, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हीट यानी सन की जो धूप आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट बारिश दी हुई है और आगे कोल्ड दिया हुआ है कि कोल्ड से हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा हाउस, ठीक है। तो आगे चलते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है हमारा काइंड ऑफ हाउसेस। अब देखिए काइंड ऑफ हाउसेस, हाउसेज आर ऑफ टू काइंड्स, जो हाउसेज होते हैं वो टू काइंड्स के होते हैं, कच्चा और पक्का, ठीक है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस, ठीक है। देखो यहाँ दिखाया हुआ है काइंड, कौन कौन से काइंड्स हैं, अ कच्चा हाउस एंड ए पक्का हाउस। कच्चे हाउस में क्या मटेरियल यूज़ होता है? मड, वुड, बैम्बू, और इसकी क्वालिटी कैसी होती है? नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये थोड़े से आंधी तूफान में क्या है, गिर सकते हैं, ठीक है। पक्का हाउस, पक्का हाउस में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग, इनकी क्वालिटी कैसी होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रेंड्स माय हाउस हैज़ मैनी रूम्स, फ्रेंड्स माय हाउस हैज़ मैनी रूम्स, ईच रूम इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। फ्रेंड्स यानी दोस्तों, मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं और हर रूम का कोई ना कोई डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट यूज़ में लिया जाता है उसको। तो इसी तरह अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 19 पर, देखेंगे कौन कौन से रूम्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना नेम द फॉलोइंग रूम्स, इन रूम्स के हमें क्या लिखने हैं, नेम फिल करने हैं, ठीक है। तो देखिए, फोर स्लिप एंड टेकिंग रेस्ट, फोर स्लिप एंड टेकिंग रेस्ट में क्या आएगा, ये है हमारा बेडरूम, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फोर कुकिंग फूड के लिए, कुकिंग यानी भोजन बनाने के लिए हम, कुकिंग यानी भोजन पकाना, तो भोजन पकाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, किचन में, तो ये हमारी किचन, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिटिंग एंड ईटिंग टुगेदर, ये है हमारा डाइनिंग रूम। फॉर टेकिंग बाथ, ये है हमारा बाथरूम। एंड फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट, ये है हमारा गेस्ट रूम। एंड टू स्टडी, ये हमारा है स्टडी रूम, तो ठीक है। इसके बाद नो मोर में देखिए, वेल ए बंगलो इज़ ए बिग एंड पक्का हाउस, ठीक है। वेल ये जो बंगला होता है वो बहुत बड़ा होता है और एक पक्का हाउस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो फिफ्थ चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी आप एक बार अच्छे से रीडिंग करना, रिवाइज करना इसको घर पे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ़।